नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने घड़ी को मोबाइल से वायरलेस की तरह चार्ज कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक्चुअली में क्या एक बार होता है क्या फ्रेंड्स कि आप अपने फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट रहता है, आपका वॉच भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट रहता है, आपको उसमें सेटिंग है जो कि ऑन किया हुआ नहीं रहता, उस सेटिंग को आपको किस तरह ऑन करना है, और उस सेटिंग को आप चालू कर देंगे फ्रेंड तो आपको वायरलेस की तरह आपका वॉच इस तरह आप रखेंगे फ्रेंड तो आपको वॉच है जो कि चार्जिंग उठा लेगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैं इस सेटिंग को इनेबल नहीं किया हूं, इस सेटिंग को ऑन नहीं किया हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा है जो कि यहां पे चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पे फ्रेंड जो कि आप उस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने घड़ी हो या वायरलेस आपका फोन हो तो आप अपने फोन को ही फोन से वायरलेस की तरह चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों इस चैनल पर मैं एंड्रॉयड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं किस तरह आप अपने फोन में वायरलेस चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं सेटिंग पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा देंगे फ्रेंड तो बहुत ही आसानी से आपको ये सेटिंग आपको इनेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे चार्जिंग में लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने नोटिफिकेशन बार को यहाँ पे इस तरह स्लाइड करके आप देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन आपको आ रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आप दोबारा इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोबारा क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये सेटिंग में आकर लेकर चला आया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें वायरलेस पावर शेयरिंग, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया तो फ्रेंड्स कि मैं अपने फ़ोन पे वॉच को रखा था तो ये चार्जिंग नहीं हुआ था, लेकिन मैं अगर इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर दिया हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको आप चार्जिंग जैसा कि आप फोन भी फोन से चार्ज वायरलेस की तरह चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने घड़ी को चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मोबाइल है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपका वॉच है, तो आप कुछ भी चार्ज बहुत ही आसानी से वायरलेस की तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस सेटिंग को इनेबल कर दिया हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वायरलेस के चार्ज होता है कि नहीं, घड़ी है जो कि चार्जिंग उठाता है कि नहीं फ्रेंड। तो देखिए मैं इस तरह यहाँ पे अब मैं इसको रख देता हूँ फ्रेंड, तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि मेरा ये चार्ज हो जाए होने लगेगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरा ये वॉच है जो कि चार्जिंग उठा लिया है। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से अपने वॉच को वायरलेस के तरीका से चार्ज कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको कंपनी ये स्टार्टिंग से सेटिंग ऑफ कर देती है। अगर इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तभी आप अपने इस तरीके से वॉच को चार्ज कर सकते हैं, वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मेरा ये चार्जिंग उठा लिया, देखिए मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा फ्रेंड तो ये बंद हो जाएगा, फिर से मैंने इसको रखा फ्रेंड तो ये फिर से चार्जिंग उठा लेगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको इस सेटिंग को बंद कर दूंगा उसके बाद मैं अगर चार्जिंग लगाऊंगा तो ये चार्ज नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चार्जिंग उठा लिया है। अब मैं उस सेटिंग को बंद करूंगा, उसके बाद मैं आपको कर दिखाऊंगा कि मेरा ये वॉच चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस सेटिंग को बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मान के चलो मैं इस सेटिंग को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इस सेटिंग को मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ज करके दिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर चार्ज करूँगा तो अब मेरा चार्जिंग नहीं उठाएगा फ्रेंड्स। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चार्जिंग ये अब नहीं उठाएगा। तो अगर आपने आपके पास ऐसा वॉच है जो वायरलेस तरीके से चार्ज होता है तो अब को इस सेटिंग को ऑन करना होगा तभी आपका चार्ज होगा फ्रेंड। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको ऑन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं सीधा बैक चल जाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।